अब्बा उल्लू के पटे फाड़ दे फाड़ दे, बाघ की सलवार भी फाड़ दे। अब्बा तू भी तो 120 की स्पीड पे जा रहा है, नहाने वाला सबर खत्म हो गया, पैसे दे। तू ऐसा कर मंडी पे ले जा और बेच दे मुझे। अब्बा मंडी में गले सड़े टमाटर बिक जाएंगे, आप नहीं बिकोगे, इसलिए साबुन के पैसे दो, मैंने नहाना है। पैसे नहीं है मेरे पास, बैंक से 1 लाख कर्जा मांगा हुआ है, जैसे वो मिलता है तेरा साबुन भी ले लेंगे। यानी मैं तब तक नहाने से परहेज करूं? हाँ जी। अब दरवाजे पे कौन आ गया है, रुको मैं देखता हूँ। ओ ओ अब्बा रुक, ओ अब्बा क्यों मेरी नाक कटवाता है इन कपड़ों के साथ, तू बैठ मैं देखता हूँ। जी बहन जी, सॉरी भाई साहब, ये नदीम साहब का घर है? नहीं जी, घर तो मेरी अम्मा का है, वो यहाँ सिर्फ रहते हैं। हर जगह औरतों की हुकूमत है भाई, हमने तुम्हारे अब्बा से मिलना है। रुको मैं पूछ के आता हूँ। अब्बा पहली दफा तुझसे मिलने कोई पढ़े लिखे बंदे आए हैं। मुझे मिलने? अब्बा पहली दफा सुना है कि तुम्हारे नाम के साथ साहब लगा, शर्जील साहब। शर्जील साहब, जाओ जाओ उनको बुला के लेके। अब्बा वो बड़े ठाठ भाट से आए हैं, सूट वूट पहन के आए हैं, और हम इन कपड़ों के साथ मिलेंगे, इन कपड़ों के साथ। तो फिर क्या करें? तो अब्बा हम भी कपड़े पहनते हैं ना, उनको भी तो पता चले कि कोई खानदानी बंदे हैं, चल कपड़े पहनते हैं चल। क्या पता वो रिश्ते के लिए आए हो। हाँ मेरे रिश्ते के लिए। यार अब्बा दिमाग खराब ना कर, चल। अब्बा नए कपड़ों में तो बड़ा सरूर आता है, बैंक से कर्जा मांगा हुआ है, जैसे वो मिलता है 300-400 और ले लेंगे। अच्छा हाँ चल जी आजे। अब्बा मेहमान आ गए। माशाल्लाह आपका घर तो बहुत बड़ा है। गरीब समझ रहा है। अबे ये तो कुछ भी नहीं है, बैरिया टाउन में 4 कनाल का बंगलो है, बंगलो अब्बा जी का। और घर में क्या क्या है ये पूछो क्या नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, गरीब थोड़ी ना हम। और टीवी है आपके घर में? टीवी वो तो गरीब लोग रखते हैं, हमारे घर में तो साइनमा लगा हुआ है, साइनमा। और कोई जमीन है आपकी? मुझे तो गरीब लगता है। जमीन? अबे 400 मरबा इस तरफ और 400 मरबा इस तरफ जमीन है। अबे बेटा 1000 कनाल जो जीटी रोड पे लगते हैं वो भी तो बता। हाँ वो भी। माशाल्लाह आपका तो बहुत बड़ा सेटअप है फिर। ओ बस जी, कभी गुरूर नहीं किया, गुरूर बनता भी नहीं है। अबे बेटा मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम तो करो। मैं अभी लेकर आता हूँ। अब्बा जी चांदी खत्म हो गई है, अब चाय कैसे बनाएं? हाँ? चाय का चांदी से क्या ताल्लुक? जी हम चाय में ना चांदी पाकर पीते हैं, अभी हेलीकॉप्टर नहीं आया हमारा है। वाह जी क्या बात है। शर्जील साहब नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड। अच्छा जी हमें फिर इजाजत दें, हम चलते हैं। आते साथ सवालों की बरसात ही कर दी, बताया नहीं आप है कौन। आपने 1 लाख बैंक में करने की दरखास्त की थी? हाँ जी आगे पैसे। हम उसी बैंक की तरफ से आपको पैसे देने आए थे, लेकिन हमें तो यहाँ आके पता चला आप अमीर लोग हैं, और आपकी बीवी को जो 2000 मंथली मिलता था वो भी हमने कैंसिल कर दिया। सर जी माफ कर दे, हम मजाक कर रहे हैं, हम गरीब बंदे हैं, सर जी माफ कर दे।